हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पर्सनालिटी की टाइप थ्योरीज़ को, और काफ़ी सारे मनोवैज्ञानिकों को हमने डिस्कस किया था कि पर्सनालिटी की टाइप थ्योरीज़ जो है वो किस किस ने दी है और कौन कौन सी दी है, जैसे इंट्रोवर्ट हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया, और भी आपकी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की जो थ्योरीज़ थी उसको हमने डिस्कस किया था टाइप थ्योरी को। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेट थ्योरी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि सिर्फ टाइप के बेसिस पे पर्सनालिटी को नहीं मतलब परखा जा सकता है, वो हमें ट्रेट के बेसिस पे परखना चाहिए। तो ये मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो ट्रेट होते हैं वो व्यक्ति की पर्सनालिटी को निर्धारित करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो हम ट्रेट थ्योरी को आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ट्रेट होता क्या है, ठीक है। ट्रेट को हम हिंदी में कहते हैं शील गुण। तो ट्रेट आर कंसिडर्ड टू बी predispose a person to act in a certain way regardless of situation or circumstances, ठीक है। ट्रेट क्या होता है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी इंसान किस तरीके का बिहेव करेगा, किसी तरीके से मतलब, और regardless of situation और circumstances, यानी कि situation और circumstances जो है वो मायने नहीं रखेंगे, बल्कि उसका जो बिहेवियर होगा अलग अलग सिचुएशंस में वो किस तरीके से बिहेव करेगा। लाइक जैसे कि एक एथलीट है, एक खिलाड़ी है, तो कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेज हो, कोई भी परिस्थितियां हो, वो क्या करेगा, बिल्कुल अपने मतलब दिल से खेलेगा एकदम से। तो उसके लिए क्या है, परिस्थितियां मायने नहीं रखती हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी में एक जो बिहेवियर होगा वो एक एथलीट का बिहेवियर है। वो हर मतलब जगह पर अपना क्या है, अपना पूरा एंथुजियाज्म के साथ में खेलेगा। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारी पर्सनालिटी के। जैसे छोटी छोटी ईंटों से एक घर बनता है ना, एक पूरा बिल्डिंग हमें दिखाई देती है ओवरऑल, बट उसके अंदर कितनी छोटी छोटी ईंटें लगी होती हैं जिससे कि वो बिल्डिंग बनी होती है। इसी तरीके से हमारी पर्सनालिटी जो होती है बाहर से एक कवर की तरह दिखाई देती है कि ये इंसान जो है वो इस तरीके का है, ठीक है। अगर हम किसी इंसान को कहते हैं ये बहुत अच्छा इंसान है, तो उस अच्छे इंसान के अंदर में बहुत सारी छोटी छोटे गुण होते हैं कि वो बहुत ईमानदार है, सच्चाई मतलब अपने जीवन में रखने वाला है, दूसरों की मदद करने वाला है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे गुण होते हैं जिसकी वजह से हमने ये कहा कि एक अच्छा इंसान है। तो अच्छा इंसान होना अगर उसकी पर्सनैलिटी है, तो बहुत सारी छोटी 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 चीज़ जो है, गुण जो है वो उसके क्या हो गए आपके, वो आप उसका ट्रेट कह सकते हैं, ठीक है। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपकी पर्सनालिटी के, जो ट्रेट होते हैं। हिंदी में अगर हम इसे समझें तो शील गुण का अर्थ होता है व्यवहार करने का स्थिर, सतत और विशिष्ट तरीका। यानी कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जो स्थिर हो, यानी कि स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं आज आप ईमानदार बिहेव कर रहे हैं, किसी ने आपको 10,000 रुपये रिश्वत ऑफर की तो आप ईमानदार हैं, नहीं मुझे नहीं चाहिए भाई रिश्वत। कल को अगर आपको कोई 10,00,000 रुपये रिश्वत ऑफर करे, तब भी अगर आपकी ईमानदारी स्थिर है, इसका मतलब आपका ऑनेस्टी का ट्रेट है आपके अंदर में। लेकिन अगर आप वो 10,00,000 की कीमत पर आप अपनी ईमानदारी छोड़ देते हैं, इसका मतलब आपकी पर्सनालिटी में जो है वो ऑनेस्टी का ट्रेट जो है वो नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है। सतत होनी चाहिए, यानी कंटिन्यू होना चाहिए। कोई भी ट्रेट का मतलब होता है कि वो पर्सनालिटी का जो फैक्टर है वो आपके अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, ऐसा नहीं कि आप एक महीने के लिए किसी को दिखाने के लिए, अपना कोई काम निकालने के लिए अगर आप अच्छे बिहेव कर रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनालिटी या ट्रेट नहीं माना जाएगा, बल्कि आप उसे सतत यानी कंटिन्यूस बहुत टाइम तक अगर आपके बिहेवियर में वो है, वो माना जाता है, तो उसको आप कहेंगे ट्रेट। और विशिष्ट होना चाहिए, यानी कि कुछ अलग होना चाहिए, मतलब एक भेड़ चाल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ट्रेट। जैसे कि आपकी ऑनेस्टी हो गई, ट्रूथफुलनेस हो गई, भाई अगर आप सच बोलते हैं तो आप हर परिस्थिति में सच बोलेंगे, ठीक है। बेशक फिर वहाँ पे 100 रुपये का सवाल हो, बेशक वहाँ पे 1,00,000 का सवाल हो, या फिर बेशक वहाँ पर 1,00,000 रुपये का सवाल हो, तब भी आप क्या करेंगे, अपनी सच्चाई से अगर आप नहीं डिगेंगे, इसका मतलब क्या है, वो ट्रूथफुलनेस आपका ट्रेट है, आपका आपकी पर्सनैलिटी में वो आता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ट्रेट, जो आपके बिहेवियर में, आपके व्यवहार से, आपके गुणों से जांचा जाता है पर्सनैलिटी को, उनको हम कहते हैं ट्रेट, ठीक है। ट्रेट थ्योरीज़ में जो सबसे एक अच्छी थ्योरी है वो है जीबी ऑलपोर्ट की थ्योरी, और ऑलपोर्ट को ही फर्स्ट पर्सनालिटी थ्योरिस्ट हु अडॉप्टेड ट्रेट अप्रोच, इन्हीं को क्या है एक तरीके से माना जाता है कि इन्होंने ही ट्रेट थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हैव पर्टिकुलर ट्रेट, या पर्टिकुलर की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। पर्टिकुलर ट्रेट, इन्होंने क्या कहा है कि हर इंडिविजुअल में पर्टिकुलर अलग अलग ट्रेट्स होते हैं। तो इन्होंने डिफाइन किया है ट्रेट्स को, जो ऑलपोर्ट ने, वो क्या कहा है, आप हिंदी में अगर इसे समझना चाहें तो क्या होगा, ऑलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने शील गुणों को दो भागों में बांटा है। देखो, पहला होता है हमारा सामान्य शील गुण, जिसको हम कहते हैं कॉमन ट्रेट, ठीक है, कॉमन ट्रेट कहा जाता है। व्यक्तिगत शील गुण दूसरा नंबर, जिसको हम कहते हैं पर्सनल ट्रेट, कॉमन ट्रेट एंड पर्सनल ट्रेट, ठीक है।
तो कॉमन ट्रेट जो होता है वो होता है किसी समाज संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है, यानी कि कोई कॉमन चीज़ होगी जो आपको सब में मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी संस्कृति में देख लीजिए, कोई भी किसी भी धर्म को लेकर के देख लीजिए, जैसे हिंदू धर्म में कुछ चीज़ें हैं जो हर व्यक्ति पालन करेगा ही। ठीक है, जैसे कि आप मंदिर में जाते हैं तो शूज़ खोल करके जाते हैं, ठीक है, वो सारे ही करेंगे। अगर 15 लोग मंदिर में जा रहे हैं तो 15 के 15 कर करके जाएंगे ये। ठीक है, ये उनकी एक विशेषता है, तो ये 15 के 15 सब लोगों की है, मतलब अलग नहीं है कुछ भी स्पेसिफिक, यानी ये कॉमन ट्रेट है। ठीक है, अधिकतर लोगों में पाया जाता है। एक होता है आपका व्यक्तिगत ट्रेट, यानी एक पर्सनल ट्रेट होना, ये अधिक विवरणात्मक है, यानी कि ज़्यादा आपका क्या है, आपका ये वास्ट है थोड़ा सा। ठीक है, इससे क्या होता है, संभ्रांति भी कम होती है। ऑलपोर्ट के अनुसार ये व्यक्तिगत प्रवृत्ति जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पर्सनल ट्रेट है जो हर किसी में नहीं मिलता है, आपको पर्टिकुलर किसी इंसान के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये 3 प्रकार के होते हैं आपके, जिनको हम डिस्कस करेंगे अभी, जो मेन इंपॉर्टेंट है आपके। फर्स्ट होता है उसके अंदर आपका कार्डिनल ट्रेट। ठीक है, कार्डिनल ट्रेट क्या होता है आपका, कार्डिनल ट्रेट को हम कहते हैं मुख्य विशेषक, या फिर प्रमुख विशेषक भी आप इसको कह सकते हैं, मेन ट्रेट भी कह सकते हैं आप इसको। कार्डिनल ट्रेट्स आर प्राइमरी एंड दे कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स। कार्डिनल ट्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो आपके प्राइमरी ट्रेट होते हैं और वो सारे ही एस्पेक्ट्स को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, इंडिविजुअल के बिहेवियर को, एट्रीब्यूट्स को, सारे ही एस्पेक्ट्स को कवर करता है। यानी कि एक ऐसा ट्रेट होता है जो आपकी लाइफ के हर पहलू को, आपकी लाइफ को हमेशा टच करेगा। वो आपके अंदर इस तरीके से होगा कि वो दिखेगा आपके अंदर। तो इस तरीके की व्यक्तिगत प्रवृत्ति व्यक्तित्व का प्रमुख और प्रबल गुण होता है, उसे छुपाया नहीं जा सकता, और व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इस तरीके से कार्डिनल प्रवृत्ति के रूप में आसानी से की जा सकती है। जैसे कि मदर टेरेसा है, आप लोग अगर केयरिंगनेस की बात करें तो हम मदर टेरेसा की बात करते हैं, तो उनका जो ये केयरिंग नेचर है वो क्या है, उनका बिल्कुल प्राइमरी ट्रेट है, वो उनके लाइफ के हर आस्पेक्ट को टच करता है। उसके लिए मैटर नहीं करता है कि वो किस सिचुएशन में है, किस परिस्थितियों में है, किसी भी तरीके की परिस्थिति में उनका ये जो ट्रेट है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, हिटलर है, उसको हम हेट से जानते हैं, जब भी आपकी बात करते हैं आप एग्जांपल्स में भी लेते होंगे कि वो फलाना जो आदमी है ना, वो तो बड़ा हिटलर टाइप का है, दैट मीन्स आप हेट से उसको पहचानते हैं। तो वो क्या है, उसका कार्डिनल ट्रेट है, जो कि मुख्य ट्रेट है उसका, जो उसकी पर्सनैलिटी को ड्राइव करता है एक्चुअली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हेट ही भरा हुआ है उसके अंदर, हो सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे गुण और भी होंगे, लेकिन जो हेट है वो उसके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को टच करता है, मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है वो। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कार्डिनल ट्रेट। जैसे सत्य और अहिंसा की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगा महात्मा गांधी जी का चेहरा, क्योंकि उनके अंदर ये ट्रेट जो है वो मतलब बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज में भरा हुआ है, जो उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करता है। ठीक है, अगर हम पहचान सत्य और अहिंसा के नाम से ही हम गांधी जी को पहचानते हैं, तो ये क्या हुआ, उनका कार्डिनल ट्रेट हुआ, मुख्य ट्रेट हुआ उनका। ठीक है, फिर आता है आपका सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति हम जिसको कहते हैं, जो सेंटर में होता है आपका। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं इसको कि सेंट्रल ट्रेट जो है रिप्रेजेंट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन, सच एज हार्ड वर्किंग, क्रिएटिंग, केयरिंग, डेडिकेटेड एंड फनी। जैसे कि हमने देखा कार्डिनल ट्रेट में एक ही गुण काफ़ी होता है एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को पूरी तरीके से डिफाइन करने के लिए। महात्मा गांधी जी हैं तो क्या है, सत्य और अहिंसा, उनका एक ही गुण है जो उनकी पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देता है, और उसी के अंदर उनके सारे गुण आ जाते हैं, मतलब कि वो इतने अच्छे इंसान हैं कि उनके अंदर बाकी भी सारे गुण जो है वो अच्छे हैं। जो सेंट्रल ट्रेट होता है उसके अंदर क्या होता है कि 5 से 10 गुण व्यक्ति में ऐसे होते हैं जिससे आप उनकी पर्सनालिटी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक इंसान है वो ऑनेस्ट है, ट्रुथफुलनेस है उसके अंदर में, बहुत केयरिंग है, बहुत सोशल है, तो ऐसे 5-10 गुण होंगे तो आप क्या कहेंगे कि ये इंसान जो है ना बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, तो आप उसको एक डिफाइन कर देंगे उसकी पर्सनालिटी को। तो इसमें क्या है कि 5 से 10 किस्म के ट्रेट होंगे जिससे आप एक इंसान की पर्सनालिटी को डिफाइन कर देते हैं, बता देते हैं किस तरीके का इंसान है। ठीक है, तो सभी व्यक्तियों में पाई जाती है ये, प्रत्येक व्यक्ति 5 से 10 ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जिसके भीतर उसका व्यक्तित्व तो अधिक सक्रिय होता है, यानी कि ये 10 प्रवृत्तियां ऐसी होंगी जिससे कि उसका ज़्यादा आपकी उसकी पर्सनैलिटी को एक्टिव दिखाएंगे। ठीक है, इन गुणों को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे सामाजिकता हो गया, अगर कोई व्यक्ति सोशल है, ठीक है, सोशेबिलिटी है एक व्यक्ति के अंदर में, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि अगर वो सोशल है तो वो सबसे मिलता जुलता होगा, सबकी हेल्प करता होगा, केयरिंग नेचर होगा, तो 5-10 गुण आप उसके देखेंगे और आप कहेंगे एक व्यक्ति बहुत ही सोशेबल है। ठीक है,
आत्मविश्वास हो सकता है किसी इंसान के अंदर में, तो ये क्या है, आपका सेंट्रल ट्रेट होता है जो 5-10 क्वालिटीज़ के बेसिस पे आप देखते हैं ये व्यक्ति की पर्सनालिटी है इसकी, ठीक है। फिर आता है आपका सेकेंडरी ट्रेट, गौण प्रवृत्ति। सेकेंडरी ट्रेट अपीयर इन ओनली स्मॉल रेंज ऑफ सिचुएशन, ये क्या होता है, कभी कभी ही आपको दिखाई देगा, यानी हर इंसान इसको पहचान नहीं सकता है, बिल्कुल सामने आपके नहीं दिखेगा। जैसे कार्डिनल ट्रेट क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी में एकदम सामने झलकता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत ही कम परसेंटेज में होता है ये आपका, आपकी पर्सनैलिटी में एक इंसान की। इसमें क्या होता है, उन गुणों को कहते हैं जो व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण, कम संगत, कम अर्थपूर्ण और कम स्पष्ट होते हैं। जैसे खाने की आदत हो गई, आपकी जो हेयर स्टाइलिंग है वो है, एक व्यक्ति के लिए कोई प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकती है, वही दूसरे के लिए गौण प्रवृत्ति हो सकती है, ठीक है। यानी कि अगर इस किसी भी ट्रेट की मात्रा आपके, मान लीजिए 100% में से अगर कोई ट्रेट है आपका, ठीक है, जैसे खाने की आदत है अगर आपकी, तो अगर आपके पर्सनैलिटी में ये सिर्फ 9% ही है, तो आप क्या कहेंगे, ये सेकेंडरी ट्रेट है जो दिखाई ही नहीं देता, मतलब बहुत ही मतलब प्रायोरिटी पे नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपकी खाने की आदत वाला जो ट्रेट है 90% अगर आपकी पर्सनैलिटी में हो, तो क्या होगा, वो आपका क्या बन जाएगा, फिर सेंट्रल ट्रेट बन जाएगा, यानी कि वो मुख्य में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, अ काम पर्सन बिकम इरिटेटेड अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। अब देखो, एक बहुत ही शांत बंदा है, लेकिन वो क्या होगा कि वो किसी भी प्रेशर वाले सिचुएशन में एकदम से अगर इरिटेट हो जाता है, तो उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते एकदम से कि अरे ये बंदा इरिटेट भी हो सकता है। इसका मतलब वो क्या है, उसका सेकेंडरी ट्रेट है जो कभी कभी दिखाई देगा आपको, ठीक है। जैसे कि कुछ आदमी होते हैं जो बाहर सोशल लाइफ में आप देखेंगे बहुत ही काम, बहुत ही मतलब सबके साथ में घुलने मिलने वाले, ये वो सब चीज़ें, लेकिन उनकी कुछ ऐसी आदतें होंगी जो सिर्फ उनके घर वालों को पता होंगी, उनके पेरेंट्स को पता होगी, उसकी मम्मी को पता होगी, ठीक है। वो क्या होंगे, सेकेंडरी ट्रेट होंगे जो कि हमेशा शो नहीं होते हैं, कभी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एकदम से सामने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी ट्रेट। तो ये आपके क्या थे, कुछ आपके ट्रेट्स थे, ऑलपोर्ट के दिए हुए सिद्धांत थे ट्रेट थ्योरी में। तो आज हमने इसी एक को डिस्कस किया है, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम केटल की जो ट्रेट थ्योरीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो ज़रूर आप इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को जो कंटेंट है वो पसंद आ रहा है। और एक और इन्फॉर्मेशन, चलिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।